हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसन के लड्डू बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बेसन के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। देखते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा किलो मोटा बेसन ले लिया, आधा किलो मैंने बूरा जो मैंने चीनी से बनाया है, और 200 ग्राम ले रखे मैंने मखाने, 250 ग्राम घी लिया हुआ है। अब हम खाली कढ़ाई में मखाने फ्राई कर देंगे। मखाने हम हल्के करारे होने तक भूनेंगे। पाँच से दस मिनट तक इसको गर्म कढ़ाई में भूनना पड़ता है। हो गए हैं, अब इसको हम बर्तन में खाली कर देंगे और 5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना बेसन भूनते हैं। बेसन भूनने के लिए हम घी डालेंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार ही घी डालेंगे। जितना बेसन को भूनते रहेंगे बीच में घी डालते रहेंगे, जितना बेसन में लगेगा। ये खट्टा ही शुरू में नहीं डालना है। देखिए हमारा घी तैयार हो गया। अब हमने इसमें बेसन डाल दिया। अब बेसन को हम तब तक भूनेंगे धीमी आंच में जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, हल्की आंच में। और घंटा इसको भूनने में लग जाता है। इसको धीमी आंच में भूनते हैं, इसको भूनने में आधा पौना घंटा लग जाता है। अगर तेज आंच करेंगे तो इसको जलने का डर रहता है। बीच में जैसे इसमें घी की कमी दिखती है तो घी इसमें बार बार डालते रहते हैं। घी उतना ही डालते हैं जितने में लड्डू बच जाए, बाकी एक्सेस घी इसमें ऊपर आ जाता है। ये देखिए इसमें हम और डालेंगे घी, घी इसमें कम लग रहा है। हमने बेसन को धीमी आंच पर रखा हुआ है। जब तक हमारा बेसन भुनता है तब तक हम मखाने को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइम है। मखाने हमारे ग्राइंड होकर तैयार हो गए हैं। अब बेसन हमारा ये भुनने लग गया, ब्राउन होने लग गया ना। अब बेसन देखिए तेल छोड़ने लग गया। ये देखिए अगर ये कच्चा रहे तो दांतों में चिपकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह भूनना पड़ता है। ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा। ये देखिए बेसन भून के हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए मखाने डालेंगे। ये मखाने ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। मखाने डालने के बाद इसको ज़्यादा भूनते नहीं है, 1 या 2 मिनट मुश्किल से। और इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें बूरा डालते हैं। बूरा अगर गर्म में बूरा डालेंगे तो बूरा जल जाएगा, हमारा इसका लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें बूरा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर किसी को कम खाना है तो कम डालेंगे, ज़्यादा खाना है डाले। इसलिए मैं इसमें हम मीठा कम खाते हैं, मैं कम डाल रही हूँ। बेसन को थोड़ा मसल लेंगे ताकि ये तेल छोड़ता रहेगा।
इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अगर आप इसी रेसिपी से लड्डू बनाएंगे तो ये परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।